होकाइडो में कुछ दिन रहने के बाद अब हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं टोक्यो में। यहाँ पे इतने बर्फ में भी इतना मजा आ सकता है ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लाइफ में पहली बार मैंने इतना बर्फ देखा है और बहुत ही अच्छा लगा। दूर दूर तक देखिए सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, लग रहा है कि बर्फ की रेगिस्तान है, पर इसमें भी इतना मजा आ सकता है, इतना अच्छा लग सकता है कि मतलब पूछिए मत। -7 -10 डिग्री तो जैसे यहाँ पे विंटर में नॉर्मल सी बात है। जापान के इस आइलैंड में सप्पोरो में मतलब हम लोगों ने तो कुछ भी थोड़ा सा 2 दिन या 3 दिन ही बिताए हैं, लेकिन उसमें भी इतना मजा आया है और हम लोग बोल सकते हैं कि उसका थोड़ा सा ही कवर किया है। सप्पोरो में और भी बहुत कुछ देखने का है जो हम लोग इस वक्त कवर नहीं कर पाए। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ट्रेन जर्नी करके एयरपोर्ट। यहाँ से इतना सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है ट्रेन से कि मैंने अपना सीट छोड़ के मैं दरवाजे पे खड़ी रही 1 घंटे तक सिर्फ ये नज़ारा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये नज़ारा मुझे और कहीं देखने को नहीं मिले। बर्फ इतनी कि पेड़ों को देख के लग रहा है कि उसमें शुगर डस्टिंग की हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना डोमेस्टिक एयरलाइंस पकड़ने के लिए। सप्पोरो से ज़्यादा दूर नहीं है टोक्यो का डिस्टेंस, और प्लेन से जो नज़ारा देखने को मिलता है वो भी बहुत सुंदर है। Place your belongings either under the seat in front of you or into the overhead lockers. Please ensure that the seatbelt is upright, your tray can be stored away, your arm rest is down, and your window shade is open. Finally, check that the seatbelt's fastened no one time. Please remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Please refrain from using the lavatory while the seatbelt sign is on. Civil aviation law requires you to comply with all safety notices and signs on the aircraft. Thank you for your attention and enjoy your flight. हम लोग नरिता एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और ये जर्नी होकाइडो का जर्नी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। ये होकाइडो का पूरा ट्रिप जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में
आपको दिखाए हैं वो आपको कैसे लगे ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।